मध्य प्रदेश के रतलाम में स्वशासी मेडिकल कॉलेज में जूनियर्स के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। इस मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। फिलहाल पूरा मामला कॉलेज की अनुशासन समिति के पास है। रैगिंग करने वाले 10 छात्रों के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिसमें से 5 छात्रों की पहचान कर ली गई है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग का वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। वीडियो में मेडिकल कॉलेज के जूनियर स्टूडेंट्स लाइन में सिर झुकाए खड़े दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ सीनियर्स लगातार थप्पड़ मारते रहे हैं, जूनियर्स चुपचाप खड़े हैं। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले की शिकायत की गई। थप्पड़ मारने वाले विद्यार्थियों की दबंगई साफ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के वार्डन डॉक्टर अनुराग जैन पर सीनियर्स ने बोतल भी फेंकी। उनके साथ विद्यार्थियों ने अभद्र व्यवहार किया। मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनाई गई है, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र गुप्ता फिलहाल रतलाम से बाहर हैं। उनके आने के बाद अनुशासन समिति की एक बैठक होगी। संभावना है कि दोषी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा सकती है और उन्हें 6 महीने के लिए कॉलेज से निकाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।